हेलो फ्रेंड्स, सो फैमिली ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप टाइटल देखकर और आगे मैंने छोटी सी क्लिप लगाई हुई है तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का ब्लॉग किस टॉपिक पर होने वाला है। और मैं रेडी हो गई हूँ। आज मैंने पहनी हुई है ब्लैक कलर की साड़ी, आप देख सकते हैं। आज ना थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि आज मेरे यहाँ चली गई है लाइट। तो फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ और जहाँ पर बेबी शावर है वहाँ हम चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। मैम ने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है। मैम हो रही है रेडी। मैं आपको आगे एक गाना सुनवाती हूँ, इतना अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, आपको इतना अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ उस गाने को इन्जॉय कीजिए और जब तक मैम रेडी होती हैं आप वो भी देखिए। और रस्में भी जो मैम के यहाँ होती हैं वो भी हो रही हैं, तो आपको ब्लॉग में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए। और बेबी शावर क्यों होता है, इसका क्या महत्व है, तो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। गौरी गौरी को चंदन का टीका लगाओ री, मंगल मनाओ री, दीप जलाओ री। गौरी को चंदन का टीका लगाओ री, सज धज के झूले पे बैठी सुहागन, अंगना में छुप छुप के देखे सावरिया आई रे, गिर गिर पली पली बादरिया आई रे, गिर गिर पली पली बादरिया। आज सखी झोरी की गोद भरौरी, फूलों से भर दो गुलाबी चुनरिया आई रे, गिर गिर पली पली बादरिया आई रे, गिर गिर पली पली बादरिया। आज सखी झुकी झुकी क्यों है नजरिया आई रे, पली बादरिया आई रे, गिर गिर पली पली बादरिया। आज सखी झुकी मंगल मनाओ री, दीप जलाओ री, गोरी को चंदन का टीका लगाओ री, है नजरिया आई रे, गिर गिर पली पली बादरिया आई रे, गिर गिर पली पली बादरिया। आज सखी झुकी झुकी क्यों है नजरिया आई रे, आओरी गोरी को चंदन का टीका लगाओरी, सज धज के झूले पे बैठी सुहागन, अंगना में छुप छुप। बेबी शावर मीन्स गोद भराई, कहीं कहीं गोद भराई बोलते हैं, वैसे लोकप्रिय भाषा में हम इसे गोद भराई बोलते हैं। इसे गर्भधारण के बाद सातवें महीने के अंत में मनाया जाता है। यह समारोह वास्तव में बहुत उत्साह के साथ परिवार में बच्चे के स्वागत और माता को आशीर्वाद और शुभकामनाएं देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन घर के रिश्तेदार और मित्र सभी इकट्ठा होते हैं और कोई कुछ ना कुछ मतलब लेकर आता है, और माता जो महिलाएं होती है गर्भवती उसे अच्छे से आशीर्वाद देते हैं, उसकी आरती करते हैं, रोड़ी चंदन जो मतलब होता है रस्मों में वही सब करते हैं। तो यही होता है बेबी शावर। मैम 3-4 दिन बाद शुरू करेंगे, निकालना शुरू करते हैं, है ना? ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है ना, ओके, बाय बाय। लड़का एकदम समझ में बन गया है भाई। अभी नहीं, मैं रास्ते में बोल रहा हूँ।
बैठ जाओ, फोटो निकाल दें फिर बाद में ना निकल पाए। ये सब भी ऐड नहीं करना मैम, ये सब भी है पूरा पार्ट हमारी सासु की तरह हो गया। ड्रेस मैच किया था हमने, अब बेबी मैच हो जाए बात अलग है। क्या लगा के रखा है कैमरे में पीछे की तरफ एकदम स्टाइल। ये दीदी है, मैं तो मिला हूँ दीदी से, दीदी के फोटो देखे हैं मम्मी के टाइम पे मिला था। बस बैठ रहे सही फोटो निकाल दूं जी। हाँ। आपको जो निकाल एक कुशल सर के अंदर रख लेना, चोरी हो जाए। हाँ भैया दादा चोरी हो जाएगी तो क्या करेंगे। जय श्री राम। अभी कैसे हैं आप? एक मिनट बोल आऊं। हेलो हाय हेलो, एकदम खत्म हो गए कि हेड कर रहे हैं। हनु इधर तो देखो यार, चलो जा, बहुत सिंसियर है हनु, जाओ कर लो। उसी साइड से करो तो सही आएगी। सर के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया? हम नहीं लाए, लेकिन सर हम नहीं लाए। आराम करें जाके, और अगर कल ऐसा लगे तो कॉलेज में आए।
बाकी सब ठीक ठाक ही चल रहा है। बैकग्राउंड वॉइस किसकी रहेगी? कहते ना हो गए, अब घर ही में रहते, बाहर जाते। अब ठीक है जैसे मेरे बोरी लग रही है मैडम, मैडम काला टीका लेके चलती है। गुजिया सबसे बेस्ट है, अरे भैया चल खाना, यही तो पूरा बना दे, जा जा आप कहाँ तक चल रहे हैं? यही तक ना? बाय सर। बाय। और आना। हाँ। अब अपन सब बैठ के अपने ही ब्लॉग देखेंगे। उतने लाइक्स हो जाएंगे। सबसे सही रहती है। हाँ। राजीव गांधी। ले लो तुम। दिख रहा, दिख रहा। और हम मॉल के सामने हैं। सुनो। अब हम चलते हैं अपने घर और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।